आज हम मौजूद हैं जोगेश्वरी एसवी रोड पे, असेंबली 165 वार्ड नंबर 64 में, जहां अशोक भाई यादव मतदान लोगों का फॉर्म खुद भर रहे हैं, स्वयं वो मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं इस बारे में। नमस्ते भाव। नमस्ते। आज आप खुद यहां पे मौजूद हैं और कितने लोगों का यहाँ फॉर्म भरा गया और ऐसी कितनी जगह है जहाँ आपने ये कैंपेन किया है जिससे अभी हमारी 8 जगह पे कैंपेन चालू है और यहाँ पे कल से ये यंग हमारे यंग साथी लोग हैं, ये पूरे मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं और ये हकीकत है कि अगर ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस इलाके के अंदर इन्होंने 3-3 सर्वे करवाए बीजेपी ने, नगर सेवक के टाइम पे, एमपी के टाइम पे, एमएलए के टाइम पे पहले के सर्वे निकाले और उनको पता चला ये एरिया में वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिल रहा है, तो इन्होंने उस एरिया के हर बूथ में से 10-10, 15-15 टक्का लोगों के नाम उड़ा दिए। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये नाम कहाँ चले गए। जब इलेक्शन का टोटल हुआ तब हमको पता चला कि 15% अगर वोट हमारे कटे हैं तो ऐसे ही हमको घर में बैठना है और उनको चुन के आना है। तो ये सब उनका बड़े प्लानिंग के साथ में सोच समझ के वो लोग हम लोग के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसलिए इस वक्त हमने जिन जिन लोगों के नाम उड़ा दिए थे, जिन एक एक बिल्डिंग ही पूरी खा गए थे लोग, तो ये सब एरिया के अंदर हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ता को बिठा के, लोगों को फॉर्म भरवा के, वो इलेक्शन ऑफिस में पहुँचा के उनको अप्रूवल करके दे रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे तो ऐसा भी है, हमने इलेक्शन ऑफिसर ने जो हमको बताया है कि अगर आपका नाम है लिस्ट में लेकिन आपके फोटो नहीं लगा है तो आपको वोटिंग करने नहीं मिलेगा। तो ये लोग की बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा प्लानिंग है कि जिस इलाके के अंदर माइनॉरिटी के वोट है उस एरिया के अंदर इन्होंने लोगों के नाम ही उड़ा दिए। और अभी भी उनका वही प्लानिंग है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग जागरूक है, हमारे कार्यकर्ता जागरूक है, इलेक्शन ऑफिसर परेशान है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है और हम उनके पीछे पड़े हैं कि भाई हमारे एरिया के लोगों के नाम आना चाहिए और हम फॉर्म भर भर के दे रहे हैं, उसका प्रूफ रख रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि कल को इलेक्शन ऑफिसर भी तकलीफ में आएगा अगर इन लोगों के नाम नहीं आएंगे तो इस वजह से अभी लोगों के नाम आना चालू हुआ है। आपकी मुहिम रंग ला रही है, 165 विधानसभा में जो आपकी जनता है उनके लिए आप कुछ खास तौर पर मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये मैसेज देंगे कि गए वक्त इन लोगों ने अगर जोगेश्वरी फाटक के पास जिसका नाम है तो उसका नाम उन्होंने अम्बोली के अंदर डाल दिया था, तो लोग ढूंढ ढूंढ के घर चले जाते थे जो कांग्रेसी है। तो अभी हमने वो सब क्लियर करके उनका एड्रेस परफेक्ट करवाया, नाम परफेक्ट करवाया, फोटो परफेक्ट करवाया। अगर किसी का उनको घुमाना है तो मेरी जगह पे आपका फोटो लगवा दिए थे और फिर बोले आप वोट नहीं कर सकते हो। तो ये सब खेल एकदम प्लानिंग के साथ में किया था। इस वक्त हम वो उनको करने नहीं दे रहे और लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हमने गए वक्त देखा है लोग ये सोचते हैं अरे वोटिंग तो सब लोग कर रहे हैं और आदमी कोई घूमने जाता, कोई कहाँ जाता है। ऐसे करके जिस इलाके में कांग्रेस की वोटिंग है 35% से ऊपर लोगों ने वोटिंग नहीं किया, जो कि पहले बिल्डिंग वाले करते थे और इन्होंने बिल्डिंग वाले को भड़का के 80% वोटिंग करवाया। तो ये क्या है, ये धर्म का नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे, उसका नाम लेंगे, फिर जाति का नाम लेंगे, हम गुजराती है, गुजराती हो, मारवाड़ी का हमको वोट मिलना। अभी मारवाड़ी गुजराती भी खुद परेशान है क्योंकि उनके धंधे बंद पड़े, उनको पता है कि कांग्रेस के बिना देश में सरकार नहीं चल सकती है और कांग्रेस के बिना धंधे भी नहीं चल सकते। तो आज लोगों की ईद हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, हर आदमी परेशान है कि उसके घर में कुछ भी नहीं बन रहा है, सिर्फ इज्जत के खातिर वो बता रहे कि हम ये मना रहे लेकिन उनके किस्से में कुछ भी नहीं है। तो ये सरकार जब आई है ये सरकार को कोई भी नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ 15-20 बड़े जो बिजनेसमैन है उनका पेट भर रही है, बाकी सबको लूट रही है। हर चीज़ अगर वो बोलती है तो बाद में खुल के बोलती है, जुमला था अरे तुम लोगों को जब बोल रहे हो कि हम ये सुविधा आपको देंगे, ये पैसा आपके अकाउंट में डालेंगे और फिर पब्लिकली चुन के आने के बाद तुम बोलते हो जुमला था। तो ये सरकार ने जो भी बायोडाटा पहले का दिया था, जो भी मैनिफेस्टो दिया था, उसमें से एक भी मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया और अभी भी वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2022 तक तो हम सबको घर देने वाले, अरे कोई जादू का चिराग लेके घूम रहे हो क्या? आज आप सरकार नहीं चला सकते, आज आप लोगों को नोटबंदी में कंगाल बना दिया, उसके बाद में GST में कंगाल बना दिया और अभी तो लोगों के पास ऐसी हालत है खाने के वांदे, तो आप पेट्रोल के भाव देखो, डॉलर का भाव देखो, सब्जी के भाव देखो,
आपको मतलब जीना है कि नहीं, ये लोगों को सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल। और आज आपको बता देता हूँ, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था कि करोड़पति जो खाना खा रहा है तो गरीब भी खाना खा के पेट भर सोता था। आज गरीब को वड़ा पाव भी तकदीर में नहीं है उनके, और किसके पास रोए। आज अगर कोई चीज का विरोध करने जाओ तो वो विरोध के अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी नहीं होती और कुछ भी नहीं होता। कोई मंत्री अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं जाता है और ना उसको घर में बिठाया। आपको क्लियर कट बता देता हूँ, हमारे जो अशोक चव्हाण चीफ मिनिस्टर थे, उनके साले ने आदर्श में कोई फ्लैट लिया बोल के चिलम चिली हुई, लोगों ने चिल्लाया। हमारे सोनिया गांधी जी ने तुरंत उनको कहा कि आप राजीनामा दो, और उनको राजीनामा देने को लगाया। आज इनके मिनिस्टर के यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, लेकिन एक भी मिनिस्टर कहीं भी उन्होंने बाजू में नहीं किया, ना उसका इंक्वायरी किया है। खाली खड़से का जो मामला था, क्योंकि खड़से इनके ही अंडे पीले बाहर निकाल रहे थे और अभी वो उनके कंट्रोल के बाहर हुआ था, इसलिए उसको बाजू में किया। बाकी आप देखो जितना भी चक्की घोटाला ये है, अभी वो जल सवार का जो काम किया इन्होंने कि पानी बहुत किया है बोल के, सब जगह लूट मार है। मतलब कहीं भी लोगों की प्रगति नहीं है। आज आपने देखो 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया है पानी के लिए किसानों को, वो हम नहर बना रहे, ये बना रहे, सब टीवी और मीडिया के ऊपर है। और टीवी मीडिया वाले इतने डरते हैं इनसे, इनके खिलाफ में एक स्टेटमेंट देने को भी तैयार नहीं होते। अगर आपको गलती से कोई टीवी वाले ने स्टेटमेंट दिया होगा, सुबह शाम को आप ढूंढते रहो, आपको वो स्टेटमेंट मिलेगी नहीं। मतलब आज राज लोकशाही का है क्या हुकुमशाही का है, हिटलर का राज चल रहा है। तो जब तक हर नागरिक जागरूक नहीं होगा और उनकी उनको उनकी जगह नहीं दिखाएगा, ये हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। लोगों को पेट पानी, आज उन्होंने बोला था 2 करोड़ लोगों को हम रोजी रोटी देंगे, 2 लाख लोगों को भी नहीं दे सके अभी तक। जितने बड़े बड़े धंधे थे आज बंद है, जिनके ऑफिस में 100 लोग काम करते थे आज 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 घर पे बैठे, ऐसी हालत है। लेकिन कोई आदमी अगर इनके खिलाफ में कोई व्यापारी बोलने जाता है तो दूसरे दिन उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड गिरती है, उसको अटकाया जाता है। आज आपने देखा होगा राफेल के अंदर 16,000 करोड़ का झोल है। आज CBI वाले ने वो झोल निकालने की बात की तो उसको घर पे बिठा दिया, उसके ऊपर आज उसके अगेंस्ट में अभी और तरीके से प्रेशर ला रहे हैं। तो ये जो चोरी है ये बहुत बड़े पैमाने में, कोई छोटा मोटा नहीं है, और हर चीज़ में चोरी है इनकी। लेकिन ऐसा है कि हर ऑफिसर, आज इलेक्शन ऑफिसर भी डरता है, जो वो कहेंगे अगर मशीन में इन्होंने बोगस करके वोटिंग अपनी तरफ कर रहे हैं। अभी देखो जहाँ भी इंटरव्यू हुआ है वहाँ आप देखो बटन दबाओ तो BJP का कमल आता है। तो लोगों ने पूछा था अगर ये बटन दबता है तो साइकिल क्यों नहीं आ रही है, बटन दबता है धनुष बाण क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ कमल क्यों आ रहा है। तो ये उसका जवाब नहीं दे रहे। और उनके लोग क्या कहते हैं, मशीन को हाथ मत लगाओ और बताओ इसमें क्या करप्शन है, मशीन के अंदर क्या मिस्टेक है बताओ। कोई जादूगर है क्या, मशीन को अगर जब तक खोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो वो जो इन्होंने चिप बिठाई है जो जिसके वजह से पूरा उनको BJP को वोट जा रहा है, तो कैसे मालूम पड़ेगा जब तक तुम उसको खोलोगे नहीं। ये और बोलते हैं नहीं इसको हाथ नहीं लगाना और बताना है, तो ये सब खेल है और जनता को ये लोग पागल बना रहे हैं। और थोड़े दिन अगर ये रहे तो मैं बोलता हूँ नीचे के लेवल के आदमी के रोज के खाने के वांदे हो जाएंगे। और आपको मेरी रिक्वेस्ट है ये लोगों तक पहुँचाओ, लोगों को समझना चाहिए कि उनके बच्चे आने वाले बच्चे लोग की लाइफ क्या होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को आज 10वीं का जो काम है झाड़ू लगाने का, वो भी BA और डबल ग्रेजुएट लड़के लोग, BCOM के लड़के लोग आके बोलते हैं हमको ये जॉब दे दो। तो आप सोचो कि हालत क्या होती जा रही है देश की। और एक तरफ रामदेव बाबा बोलता है स्वदेशी, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड घूम के आए, 1 रुपया की भी मदद अभी तक नहीं हुई पूरे हिंदुस्तान को। आप सोचो जितना पैसा इन्होंने अपना मस्ती में घुमाया पूरा वर्ल्ड घूमने में, उतने पैसे में तो किसान का पेट भर जाता था। और इन्होंने आज तक किसान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। इनको पता नहीं है किसान जिस दिन ख़त्म हो जाएगा लोगों के खाने के वंदे हो जाएंगे। क्योंकि याद होगा आपको पहले लाल गेहूँ आता था और वो अपन खाते थे, रशिया या अमेरिका से जो मिलता था वो लाल गेहूँ की उधर के लोग वो डुक्कर को खिलाते थे या हम लोग वो खाते थे। आज हमारी आज़ादी के बाद हमने जो प्रगति की है, हमारे पास जो अनाज बन रहा है, आज अनाज बनाने वाला किसान है वो किसान को ये लोग मर रहे तो भी ये लोग देखने को तैयार नहीं। तो मेरा यही कहना है कि ये सिर्फ बोल बचन दे रहा है,
आगे के सपने बता रहा है 2022 में हम सबको घर देंगे, सबको नौकरी देंगे। अरे भाई, 5 साल में तुमने क्या किया उतना तो रिपोर्ट दो हमको। आपने जो जो मैनिफेस्टो में डाला उसमें से कौन सी चीज़ आपने पूरी की? कोई भी चीज़ नहीं की। ना एजुकेशन में सक्सेस हुए, ना किसी में सक्सेस हुए। आप देखो एजुकेशन में भी लोगों की हालत ख़राब है। तो ये सब चीज़ है, इनको सरकार चलाने नहीं आती है। ये जब भी करना है कांग्रेस सरकार ही इसको चला सकती है। तो ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ये थे हमारे एक विधायक अशोक भाई यादव, जिन्होंने अपनी सारी प्रतिक्रियाएं दी। और उनका ये रिक्वेस्ट है आम जनता से कि वो सोच समझ के आगे काम करें। अगर उन्हें भुखमरी से, कर्जे से और बेरोज़गारी से मुक्ति चाहिए तो वो अपनी आँखें खोलें।